राहुल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए, क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी जी वो नेता हैं जिन्होंने धारा 370 को असंवैधानिक संविधान के खिलाफ कहा था और देश की सुरक्षा को खतरा बता दिया था। और ये कांग्रेस पहली बार नहीं कह रही है, देश की आजादी के समय से ही। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता जल्दी प्राप्त करने की चाह में देश के विभाजन को स्वीकार किया था, देश का विभाजन करवाया था। वो आदरणीय पंडित नेहरू जी थे जिन्होंने कश्मीर में धारा 370 लागू करवाई। वो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान की व्यवस्था करके कश्मीर को भारत से समरस नहीं होने दिया था। वो पंडित नेहरू ही थे जिन्होंने कश्मीर के मामले को, जो हमारे देश का आंतरिक मामला था, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाकर जनमत संग्रह तक की बात करी थी। उस अलगाववादी मानसिकता से कांग्रेस आज भी नहीं उभरी है। और गुपकार संगठन कहूं कि गुप्तचर संगठन कहूं, ये तो चीन और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले लोग हैं। और वस्तुतः ये कोई गठबंधन नहीं है। रोशनी कानून की आड़ में ये गुपकार संगठन के नेताओं ने 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन हड़प ली जम्मू कश्मीर की। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ते रहे, ये कश्मीरी बेटा बेटियों के हाथ में पत्थर थमाते रहे। इन्होंने विरासतपूर्ण जीवन जिया, कश्मीर को लूटने की आजादी इनको थी, जम्मू और कश्मीर को अंधेरे में धकेल दिया। आज ये सब इकट्ठे होकर देशद्रोह की भाषा बोल रहे हैं और कांग्रेस भी इनके साथ शामिल है, इनके साथ खड़ी हुई है। एक और युवा नेता है कांग्रेस के कश्मीर के, जहांजेब सिरवाल, उनने विवादित बयान दिया कि अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले जो बाइडेन से आर्टिकल 370 को लागू करवाएंगे। कांग्रेस बताया कि कुछ और सुनना बाकी रह गया है। और फारूक अब्दुल्ला ने देश विरोधी बयान को पहली बार नहीं दिया है, कई बार राष्ट्र के खिलाफ बोले, भारत के खिलाफ बोले, हमारे देश के खिलाफ बोले। आतंकी मकबूल वट से उनके रिश्ते से सब परिचित है। कांग्रेस का ये सफाई देना कि गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा नहीं है, बेतुकार तथ्यों से परे है। कांग्रेस गुपकार डिक्लेरेशन का हिस्सा तब भी थी, अब भी है। और ये उनके कश्मीर के नेताओं के बयानों से स्पष्ट हो रहा है। कांग्रेस गुप्तकार डिक्लेरेशन के साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रही है, जो जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। वास्तव में कांग्रेस हमेशा से इन देशद्रोही ताकतों का साथ देती रही है, यहां तक कि पी चिदंबरम साहब खुलेआम करें, गुलाम नबी आजाद करें कि कश्मीर से धारा 370, कश्मीर में धारा 370 फिर से बहाल होनी चाहिए। 13 नवंबर को जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस समिति ने गुफकार गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की थी,
और गुफकार में स्थित महबूबा मुफ्ती के फेयरव्यू आवास पर हुई गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के दो नेता भी शामिल हुए थे। महबूबा मुफ्ती के आवास के बाहर कांग्रेस के नेता गुलाम नबी मोगा ने संवाददाताओं से कहा था, हम गठबंधन के साथ हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या गठबंधन के सदस्य दलों में कोई मतभेद है, मोगा ने कहा था कोई असहमति नहीं है और स्वस्थ चर्चा हुई है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांग्रेस के प्रमुख श्री फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा था कि कांग्रेस गुफकार घोषणा पत्र गठबंधन का हिस्सा है। फारूक साहब ने कहा था कि जिला विकास परिषद के चुनाव हम साथ मिलकर लड़ेंगे। अब्दुल्ला साहब का यह बयान कांग्रेस के उस फैसले के बाद आया है जिसमें पार्टी ने डीडीसी चुनाव में उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया था और गठबंधन के जो उम्मीदवार सामने आए उनमें से तीन कांग्रेस के 13 अक्टूबर 2020 को महबूबा मुफ्ती साहब रिहा की गई थी। उसके पहले फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब इनको रिहा किया गया था। अब हिरासत से रिहा होने के बाद, आजाद होने के बाद ये देश के खिलाफ विश्व भवन पर उतरे हुए हैं। मैं कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो कांग्रेस का धारा 370 के बारे में दृष्टिकोण क्या है, मैडम श्रीमती सोनिया गांधी को स्पष्ट करना चाहिए। क्या उनकी अलगाववादी मानसिकता, फिर धारा 370 और 35 ए को हटाने के पक्ष में वो दोगली और दो मुही बातें क्यों कर रहे हैं? आतंकवादियों के साथ उनके रिश्ते क्या हैं? बटाला हाउस एनकाउंटर के बाद क्यों श्रीमती सोनिया गांधी रात भर आंसू बहाती रही? क्यों दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के साथ खड़े हुए? मित्रों, ये अब्दुल्ला मुफ्तियों और एक परिवार के गांधियों की एकजुटता का कारण, लूट की अपनी दुकान कश्मीर में बंद हो जाना है धारा 370 हटने के बाद, कश्मीर, जम्मू और कश्मीर खुली हवा में सांस ले रहा था, जिन गलियों में कभी खून के निशान दिखते थे वहां प्राकृतिक सौंदर्य की सौंधी महक सुगंध आने लगी थी। जम्मू और कश्मीर की जन्नत में फिर से जहर घोलने के प्रयास किए जा रहे हैं और उन प्रयासों में कांग्रेस साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है और इसलिए कांग्रेस को अपने दृष्टिकोण को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। क्या कांग्रेस गुफकार अलायंस के साथ खड़ी है? आज मैं मैडम श्रीमती सोनिया गांधी से ये पूछना चाहता हूं और देश भी ये जानना चाहता है, क्यों धारा 370 के विरोधी है, क्यों कश्मीर की फिजाओं में फिर से जहर घोल के आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, क्यों उनके बयान और उनका दृष्टिकोण
आतंकवाद और आतंकवादियों के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।